हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं खजियार में, यानी कि मिनी स्विट्जरलैंड में। इस वीडियो में मैं आपको डलहौजी की सारी प्लेसेस कवर कराऊंगा और कैसे आप यहां पे घूम सकते हैं, कौन कौन सी यहां पर प्लेसेस है घूमने के लिए और क्या टूर प्लान बजट होगा वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे आने के लिए जो बेस्ट टाइम आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च, जब आपको यहाँ पर ढेर सारी बर्फ देखने को मिलेगी और लकी हुए तो स्नोफॉल वगैरह भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बहुत सारी यूजफुल टिप्स भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं यहाँ पर आया हूँ, आज है 5 जनवरी और आप जनवरी, फरवरी, मार्च के टाइम में आएंगे तो ढेर सारी बर्फ आपको देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो पूरे साल आ सकते हैं, उस टाइम भी आपको कई जगहों पे देखने को बर्फ मिल जाएगी। तो साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे साथ घूम सकते हैं इस वीडियो में खजियार और डलहौजी। डलहौजी एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट का है। पठानकोट में 2 रेलवे स्टेशन है, पहला पठानकोट जंक्शन, दूसरा पठानकोट कैंट। इनमें से किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप पास के ही इंटरस्टेट बस स्टैंड पर जाकर 120 रुपीज़ में पठानकोट से डलहौजी ऑर्डिनरी बस से पहुँच सकते हैं, जिसमें आपको 3 घंटे लगेंगे। डलहौजी के लिए डे टाइम में बसेस हर घंटे मिल जाएंगी। दिल्ली से भी आपको वॉल्वो बस यहाँ 12 से 14 घंटे में पहुँचा देगी, जो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। पठानकोट में ही एयरपोर्ट भी है, पर यहाँ फ्लाइट सर्विस बहुत कम है, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट अमृतसर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये डलहौजी का बस स्टैंड है और बस आपको यहीं पर ड्रॉप करेगी। डलहौजी की मेन मार्केट गांधी चौक पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे पूरा बर्फ से भरा हुआ पड़ा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पठानकोट का सबको बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट हैं और एंजॉय कर रहे हैं सब अपने अपने स्टाइल में, मजा आ रहा है। गाड़ियों पे बर्फ वगैरह ढक गई है, काफी पड़ गई है। जरूर जरूर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। इसी के लिए तो इतना बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हो आप लोग? बहुत दूर, पटना से। पटना से? ओ हो, बिहार से। मैं भी यूपी साइड से हूँ जी। वैसे तो डलहौजी आप पूरे साल आ सकते हैं, पर स्नोफॉल देखने के लिए जनवरी यहाँ के लिए बेस्ट टाइम है। डलहौजी में मेरा होटल का रूम कैसा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। रूम है मेरा, पहले बाथरूम ही पड़ जा रहा है, दिखा देता हूँ। बाथरूम काफ़ी बड़ा सा है, वॉशरूम आपको दिखेगा। गर्म वगैरह पानी करने के लिए सारा अरेंजमेंट है, इधर टॉयलेट वगैरह है, तो यहाँ वॉश बेसिन है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कबर्ड वगैरह दिया हुआ है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक केटली वगैरह है, चाय वगैरह पीना है तो पी सकते हैं। और ये बेड काफ़ी बड़ा सा है और कॉम्प्लीमेंट्री में बॉटल मिली है, वाटर बॉटल। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे टीवी स्क्रीन वगैरह लगी हुई है, ये बंदा नहीं मिला है मुझे कॉम्प्लीमेंट्री में, ये यहीं पर मिल जाता है। और बाकी थोड़ा छोटा सा सोफा लगा है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर ये आपका बेड के लिए हीट करने के लिए इलेक्ट्रिक बेड हीटर कह सकते हैं, ये लगा हुआ है, जिससे आप लेटते हो ना तो गरम गरम लगता है, काफ़ी मज़ा आता है, इवन हीटर से ज़्यादा मज़ा आता है। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर भी हीटर इन्होंने दे रखा है और यहाँ पे आप आराम से देख रहे हो, आप कैसे बैठे हो आराम से बैठ सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर सबसे अमेजिंग ये है यहाँ का व्यू, आप यहाँ देख रहे होगे, पता नहीं कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा, स्नोफॉल हो रही है काफ़ी तेज़ बाहर,
और जब नहीं होती है तो काफ़ी यहाँ से आपको पूरा का पूरा व्यू दिखता है, जो यहाँ माउंटेन की रेंज है, यहाँ के किन्नौर की, पीर पंजल की, वो पूरी आपको दिखती है। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। तो रूम बहुत ही अच्छा है, और ये जो ट्रिप है मेरी पूरी स्पॉन्सर्ड की है प्रतीक जी ने, और ट्रैवल हैंगर के नाम से उनकी ट्रैवल कंपनी है, मैनेजर है वो। उनके कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप कॉन्टैक्ट करके हॉलीडे पैकेज डलहौजी का हो चाहे कहीं का भी हो इंडिया का, आप आराम से बुकिंग वगैरह करा सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इस सीन में आपको जो बर्फ पड़ी हुई पहाड़ी दिख रही है, आज मैं उसी की ट्रैक पर जाऊँगा। तो पंचपुला में मैं अब जा रहा हूँ गंजी पहाड़ी की ट्रैकिंग के लिए। लगभग बताया है 1 घंटे ट्रैकिंग करने में ऊपर लगेगा, और मैं देखता हूँ कि कितनी देर में पहुँच पाता हूँ। इस टाइम क्या हो रहा है भाई रितेश? टाइम हो रहा है इसमें आपका 12:26 हो रहा है। 1 घंटे का टारगेट है, देखता हूँ कितनी देर में पहुँचता हूँ। स्नोफॉल तेज हो चुकी है और अब सच में मज़ा आ रहा है। अब हम लोग थोड़े से ऊपर आ गए और इन बर्फीले दुर्गम रास्तों से होते हुए जा रहे हैं गंजी पहाड़ी के ऊपर। गंजी पहाड़ी, गंजी क्यों नाम है नहीं मालूम, वैसे हम लोग की तरफ गंजी की तो बनियाहिन बोला जाता है और टकले को भी गंजा बोला जाता है, पर देखता हूँ क्या नाम है। हो सकता है कुछ लोग का यहाँ पे रिलीजियस नेम भी देते हैं कुछ लोग, वैसे देखते हैं। स्नोफॉल ज़बरदस्त हो रहा है यार, सॉलिड। नीचे इतना नहीं हो रहा था, यहाँ पर हो रहा है मस्त। आगे पूरे रास्ते में यहाँ पर बर्फ से लद चुका है, और फिर भी हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं। पर आराम से ही आप यहाँ पे चलें, क्योंकि बर्फ वगैरह होती है तो काफ़ी यहाँ पे फिसलन वगैरह होती है, तो आराम से ही चलें। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मड हाउस के पास में, मतलब अभी पहुँचे नहीं है बट दिखने लगा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ सारे आपके मिट्टी के मकान बने हुए हैं ऊपर पहाड़ पर, और वहीं तक जा रहे हैं, वहीं गंजी पहाड़ी है, और स्नोफॉल तो हो ही रहा है लगातार। यहाँ से बहुत अमेजिंग लग रहा है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ और उसमें मिट्टी के ये मकान। पास से जाके करीब से दिखाता हूँ आपको। मैं मड हाउस के पास पहुंच गया हूं, और यहां पे जो नीचे मड हाउस वगैरह दिख रहा है वो और भी इस जगह को खूबसूरत बनाते हैं। ये मेरे बगल में एक, ये आप देख रहे होंगे मड हाउस है, यहां की खिड़कियां पुराने स्टाइल में जैसे लकड़ियां लगी होती हैं वैसे है। ये आप देख रहे होंगे यहां पे भी खिड़की वगैरह ये है, और पूरा मड का बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पूरा। आप ऊपर देखिए, ऊपर लाइट वगैरह है, यहाँ पर आप रह भी सकते हैं इवन। मेरा टारगेट मिल गया यार। मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमेशा अपने साथ बिस्किट रखो, और इस बार भी मैंने मिस किया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई यार। रितेश मेरे को याद दिलाते रहना, नेक्स्ट टाइम हमेशा बिस्किट होनी चाहिए साथ में। बहुत प्यारा लग रहा है, हम लोग को बिस्किट मिल गया है फाइनली, मिल गया। वास्को इधर, ये गुड बॉय, बॉय की गर्ल देखो। चलो फाइनली बिस्किट मिल गया। मैं छोटी गंजी पहाड़ी तक जा रहा हूँ, उसके ऊपर भी है पर बर्फ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो वहाँ नहीं जा पाऊँगा, और ट्रैक का रास्ता मज़ेदार होता जा रहा है। मड हाउस में आप ज़रूर रुकें, मेरा ये सजेशन रहेगा आपको। थोड़ा पैसे आप खर्च करेंगे पर वो आपके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी होगा। यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, क्या मज़ा है यार नीचे घूम के। यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे जो मज़ा मिलेगा ना वो नीचे आपको नहीं मिलेगा। थोड़ी सी ट्रैक करोगे, थोड़ी कैंपिंग करोगे आप, और यहाँ पे पहुँच जाओगे तो भाई मज़ा तो आएगा ही। चल रहे हैं छोटी गंजी पहाड़ी तक। तो गंजी पहाड़ी छोटी वाली यहीं पे है, थोड़ा सा और ऊपर है पर यहीं तक जा रहा हूँ, क्योंकि बर्फ काफ़ी तेज़ हो रही है तो आने में भी दिक्कत होगी। रास्ते आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे कौन रास्ता जा रहा है, और यहाँ पे आप वाइन वगैरह अगर लेते हैं आप सब ले सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी। जो भी प्राइस होता है उससे 50-100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे,
और आपको वहाँ पे मड हाउस है, वहाँ सारी अवेलेबिलिटी आपको दे देंगे। तो सब तरह की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और उससे भी ज़्यादा जो एन्जॉयमेंट है वो अलग ही है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। अब रास्ते में मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ की आज लोकल जो भी प्लेसेस हैं डलहौजी की, उनको कवर करने के लिए, और मैं पैदल ही निकल पड़ा हूँ, क्योंकि पैदल में घूमने में जो मज़ा आता है ना, वो आपको गाड़ियों वगैरह में नहीं आएगा। आप आराम से रिलैक्स होकर यहाँ से घूमो, और बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं है प्लेसेस, तो आप सिंपली आप देख रहे होगे यहाँ पर, आप कहीं भी रुक जाओ और व्यू के कितने बढ़िया यहाँ पर व्यूज़ वगैरह दिख रहे हैं। पंचकुला डलहौजी की पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, जहां आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, साथ ही गंजी पहाड़ी की ट्रैक भी यहीं से स्टार्ट होती है। पंचकुला में मैं अभी जा रहा हूं ऊपर वाटरफॉल के लिए, और लगभग 50 मीटर कह रहे हैं ऊपर जाने का है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप ज़िपलाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड यहाँ पे लगती है आपकी 1000 रुपये 1 किलोमीटर का बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा कह रहे हैं हिमाचल की लंबी ज़िपलाइन है, और इसके अलावा 300 मीटर और 100 मीटर की भी होती है, जिसके 500 से 300 रुपये तक है, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी उसमें आपको मिल जाएंगे। और अभी फिर चलते हैं आगे की तरफ, वाटरफॉल देखता हूँ कैसा है, आपको भी दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है सातदारा वाटरफॉल, और पंचकुला आप आते हैं तो आप लगभग 50 मीटर ऊपर आ जाए और ये आप देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। छोटा सा वाटरफॉल है और आसपास बर्फ़ है, मौसम अच्छा है तो मज़ा आएगा, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए भी काफ़ी कुछ है, तो पंचकुला में एक बार आप ज़रूर आए। देखिए ट्रैवलिंग करने के लिए तो आप लोग आते ही हैं और खूबसूरत प्लेसेस देखना चाहते हैं, बट एक बात का ध्यान रखा करें, गंदगी न किया करें। आप यहाँ देख रहे होंगे कितनी सारी गंदगी पड़ी हुई है, हर जगह आपको दिखेगी गंदगी, इस बात का ध्यान रखा करें, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। ये डलहौजी का सुभाष चौक है, और आप यहाँ पर कई जगहों पर रैबिट के साथ पिक भी क्लिक करवा सकते हैं। तो डलहौजी का ये है सुभाष चौक, और यहीं से आपको गाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी खजियार के लिए, सारी टैक्सी वगैरह जो भी होती है सब यहीं से मिलती है, और मैं जा रहा हूँ अमरवीर जी के साथ, इनसे मैंने बुकिंग की है, इनका नंबर जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, और जो बुकिंग वगैरह अमाउंट लगेगा आपका यहाँ से अभी चंबा होकर गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं तो आपका 2500 से 2600 तक लग सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आप जब बर्फ़ वगैरह थोड़ा हट जाएगा, खुल जाएगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, जब 22-23 किलोमीटर रह जाएगा रूट, तब फिर आप जाएंगे तो आपका केवल 1500 से 1600 रुपये 1700 ऐसे खर्चा होगा, तो अभी हम लोग को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है, बट फिर भी जाना ज़रूरी है, तो चलते हैं अमरवीर जी के साथ, करते हैं थोड़ा स्माइल दे दीजिए भैया। खजियार जाने के दो रूट हैं, पहला 22 किलोमीटर का और दूसरा 70 किलोमीटर का बाई चंबा। जनवरी से मार्च तक काफ़ी स्नो होने के कारण छोटा रूट क्लोज होता है और आपको चंबा होकर ही जाना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे अभी रास्ते में मैं रुका हूँ, चंबा जा रहा हूँ, और रास्ते में आप देख रहे होंगे ये पूरे सीढ़ीदार खेत यहाँ पर हैं, और बहुत सारे ये देखने को मिलेंगे, और अभी तक मैं जिन भी पहाड़ों पर गया हूँ उसमें सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ही देखने को मिले हैं, और हर जगह चंबा में जाते हुए आपको ये सीढ़ीदार खेत ज़रूर देखने को मिलेंगे, और यही कह सकते हैं यहाँ की यूनिकनेस है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे आपको, एकदम ग्रीन दिखेंगे पहाड़ वगैरह, तो माउंटेन्स है ही, और पीछे बर्फ़ वगैरह के पहाड़ भी आपको दिख जाएंगे। रास्ते में आप चमेरा लेक भी देख सकते हैं, और यहाँ चाहे तो बोटिंग भी कर सकते हैं। ये होती है ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, आप जब चंबा वाले रूट से जाओगे ना तो पूरा मतलब चंबा का आपको ब्यूटी दिखेगा। ये जो नदी बह रही है ये रावी नदी है, और आपको शायद कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा, बट पूरा यहाँ से बह रही है और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है, पूरा नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस रास्ते में कई बार लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी लगता है।
आपने मणिमहेश जी के बारे में सुना ही होगा, और वो आप देख रहे होंगे वहाँ पे जो माउंटेन है वो मणिमहेश जी का माउंटेन है, और वहीं पे लोग जाते हैं अगस्त वगैरह में जब जन्माष्टमी के टाइम में वहाँ पे दर्शन होते हैं जाते हैं। काफ़ी लंबी ट्रैक होती है, काफ़ी लंबी यात्रा होती है, बहुत सारे भक्त वहाँ जाते हैं, तो यहाँ से ही वो दिख पा रहा है। और बहुत लकी हूँ कि मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। और जब चंबा के रास्ते पे आप जाएंगे चंबा से खजियार, तब आपको देखने को ये मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पूरा आप देख रहे होंगे पूरा बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा आएगा लगेगा और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका। आप जैसे जैसे खजियार के करीब पहुँचेंगे आपको हर तरफ स्नो देखने को मिलेगा। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। स्वागत है आपका मिनी स्विट्जरलैंड यानी कि खजियार में। देख रहे होंगे आप चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है और अमेजिंग ब्यूटी है। ऐसी ब्यूटी के लिए ही तो मैं घूमता हूँ, यही सारी चीजें तो आपको दिखाता हूँ, और खुद को देखने के लिए हमेशा ही बेचैन रहता हूँ। वाकई में बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आके, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ आए हैं तो मज़ा तो आना ही आना है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के एक्टिविटीज़ के अलग अलग चार्जेस हैं, वो आप कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे रैबिट वगैरह के साथ पिक वगैरह भी क्लिक करवा सकते हैं। कितना लगता है ब्रदर? 20 रुपीज़ में। अगर आपको क्लिक वगैरह कराना है 20 रुपीज़ में आप फ़ोटोज़ वगैरह भी रैबिट के साथ क्लिक करवा सकते हैं। और बाकी आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ भरी हुई है, बहुत ही अमेजिंग है। और अगर यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह हो जाए तब तो और भी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे कल हुई थी, मैंने पूछा था तो कल यहाँ पे हुई थी, जो लोग लकी रहे होंगे कल स्नोफॉल वगैरह यहाँ पे देखें, और आज नहीं हुई है पर फिर भी देखते हैं। यहाँ पर आप 100 रुपीज़ में स्नो शूज़ रेंट पर ले सकते हैं और पहाड़ी ड्रेसेस में पिक भी क्लिक करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ आप 300 रुपीज़ देकर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। आप यहां 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक में पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। यहां पर खाने पीने की चीज़ें जैसे बर्गर, पानीपुरी या भेलपुरी 20 रुपीज़ से लेकर 50 रुपीज़ तक में मिल जाएगी। बताओ कितने की है? कितने की है? 20 की 6। खाओ खिलाइए भाई खिलाइए। आपका मतलब तुम्हें वहाँ दिल्ली वाले रेट में चाहिए? वहाँ पे भी इतने में ही मिलता है और महंगा मिलता है। वेजिटेरियन है ना? ये तो लाइक एक है यार, अंडे की तरह है ये, अंडा है, चाइनीज भूल गई। तो ट्यूबराइट कैसे किलो बताओ भाई? ऊपर से नीचे तक लेके आएंगे सर। हाँ कितना? 50 रुपए लेते हैं, किलो के भाव नहीं होता है। ट्यूब राइड में करने वाला हूँ, 50 रुपए में दो आदमी बैठाओगे ना? अरे दो बैठा दो भाई, दो बैठा दो भाई, हम लोग यार बिना अकेले करते। हाँ तो दो आदमी बैठ सकते हैं, 50 रुपीज़ आपका लगेगा, ट्यूब राइड आप कर सकते हैं। भाई जिंदा रहेंगे ना हम लोग, बच जाएंगे ना? जिंदा ही। चलो ठीक है भाई, लेग स्ट्रेट कर लो, 1 2 3 तो पूरी वीडियो आपने देखी ली होगी, और इसके बाद आपके मन में ये जानने की उत्सुकता होगी कि यहाँ पर घूमने फिरने में आपका क्या खर्चा आएगा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आपको यहाँ पर घूमने फिरने के लिए कितने दिन चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 2 दिन के लिए भी आ रहे हैं तो काफ़ी है, 2 दिन में आप काफ़ी प्लेसेज यहाँ की कवर कर लेंगे। पहले दिन आप पंचकूला और यहाँ की सातधारा वाटरफॉल, साथ ही साथ कुछ यहाँ के लोकल चर्च और मार्केट कवर कर सकते हैं, और सेकेंड डे आप खजियार की ट्रिप कर सकते हैं। तो 2 दिन में आपका इनफ है और कम्प्लीट भी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हैं, तो 5 दिन तक बहुत है। 5 दिन में आप यहाँ की मोस्ट प्लेसेस कवर कर लेंगे। जैसे कि आपको अगर डैनकुंड पीक जाना है जो कि इस टाइम क्लोज है, वहाँ पे जा सकते हैं, उसकी ट्रैक वगैरह होती है, वो आपका गर्मियों में ओपन हो जाता है, वहाँ जा सकते हैं। गंजी पहाड़ी जो कि मैंने वीडियो में दिखाया है उसकी ट्रैक कर सकते हैं। काला टॉप वाइल्ड लाइफ है, वहाँ भी जा सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें भी इंक्लूड आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल इनको इंक्लूड करते हैं तो 5 दिन का ट्रिप बनता है। तो अभी मैं जो बजट आपको बताऊंगा वो आपको 2 दिन का बता देता हूँ। 2 दिन में आपका जो खर्चा आएगा होटल का, पहला वो आपका 1500 रुपीज़ पर डे 2 एडल्ट्स का खर्चा आएगा। सेकंड आपका मील्स का लगभग यहाँ पे आ सकता है 500 रुपये डेली का,
पर पर्सन का। और थर्ड जो खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का, वो आपका लगभग आ सकता है 1500 से 2000 रुपये, मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक बंदे पे, क्योंकि आप खजियार वगैरह के ट्रिप करोगे उसमें हो जाएगा। अगर कार में जाते हो आप तो आपका लगभग 2000 रुपये पर पर्सन पे आ जाएगा दोनों दिन का। तो टोटल पर पर्सन कॉस्ट क्या आ जाता है वो मैं बता देता हूँ। होटल का आपका 1500 रुपीज़ आएगा दो दिन का पर पर्सन, मील्स का आपका 1000 रुपये आएगा टोटल दो दिन का पर पर्सन, और आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो आएगा वो लगभग यहाँ पे 2000 रुपये आपका एक बंदे पे आएगा दो दिन का। तो टोटल इसका करेंगे तो 4500 रुपीज़ का खर्चा टोटल आ रहा है। अब इसके बाद इसमें आप एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ करेंगे यहाँ पे तो उसको ऐड करते हैं तो उसका लगभग 1000 से 2000 रुपये और होगा, तो वही आपका 4500 से 6500 रुपये तक पहुँच सकता है। अब अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, 5 दिन के लिए आ रहे हैं, तो यही बजट आपका 8 से 10 हज़ार तक भी जा सकता है। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं, नेचुरल प्लेसेस वगैरह केवल विजिट करना चाहते हैं, तो ये आपका कवर हो जाएगा। केवल आप समझिए 4 से 5 हज़ार में दो दिन के लिए आए, 4 से 5 हज़ार में आराम से कवर करके घूम करके जा सकते हैं। तो ओवरऑल इतना ही खर्चा है। और अगर आपको क्राउड वगैरह नहीं पसंद है तो ये प्लेस आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको शिमला मनाली की जैसे यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी, बहुत कम यहाँ पर क्राउड होता है। तो इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फ्रेंड्स।